अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश होंगे। और आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, ईद के बाद। मैं तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं हूँ यूनिवर्सिटी। मैंने मैसेज किया था मैम को लेकिन मैम ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो फिर मैं गई नहीं। और अब उन्होंने मैसेज किया तो मैं जा रही हूँ। दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था, अब सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने कहा चलो अपने आप को थोड़ा सा ना प्रोटोकॉल देते हैं। तो मैंने ना अपने लिए ट्रे बनाई स्पेशल से मज़े से, वरना मैं तो आती हूँ उठा के, वैसे एक को उठा लेके आती हूँ, सारा लेके आती हूँ और रोटी लेके आती हूँ, आगे खाना शुरू करती हूँ। आज मैंने स्पेशल अपने लिए चाय डाली, चाय तो मैं मोस्टली पीती नहीं हूँ, नाश्ते में ना पी लेती हूँ कभी कभी, तो आज मैंने डाल लिया। मैंने कहा नाश्ता अच्छे से करके जाती हूँ ताकि अच्छा अच्छा काम हो, और अल्लाह करे आप भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ना काम जो है वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं ना छोड़ दूँगी, बीच में ही छोड़ दूँगी। और कभी कभी मैं इतना ज़्यादा हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने लिए क्यों एडमिशन, मैं इतना ज़्यादा हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए था, BS के बाद छोड़ देना चाहिए था मुझे पढ़ना। लेकिन खैर अल्लाह अच्छी बस, अब मेरा ना ये पूरा हो जाए और अच्छे से जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। कभी कभी ना इंसान ऐसे ही थक जाता है, मैं भी ना ऐसे मुझे फीलिंग आती है कभी कभी कि मैं ना थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। और मैं ना घर के कामों से नहीं इतना थकती जितना मैं ना टेंशन से थक जाती हूँ। मतलब अगर मुझे यूनिवर्सिटी में, मतलब अगर काम हो रहा हो ना तो फिर इतना मसला नहीं होता, अगर ना हो रहा हो तो फिर इंसान को टेंशन आती है। खैर अभी मैं पहले ये जाने से पहले इसको दे देती हूँ थोड़ा सा दूध, ये काफ़ी दिनों के बाद आई है तो मैंने कहा चलो इसको दूध दे देती हूँ। अच्छा हमारे साथ अभी पता क्या हुआ था, पिछले दिनों ना एक दिन हमारा दूध वाला नहीं आया था ना, तो हम लोगों ने दूध नहीं दिया था, तो फिर इन्होंने मांगा तो हमने दिया नहीं, तो अगले दिन ना ये अगले दिन ईद थी। ये कर क्या रही है लड़की, पी लो पी लो। वो पीने लग गई है मेरे कहने पर। नहीं, तुम नहीं जी देखिए बिल्ली तेरी नहीं सुन रही, देख ले माना, देख ले उसने मेरी बात सुन ली है, तेरी बात नहीं सुनी, मैंने एक दफा बुलाया उसने मेरी बात सुन ली है। मानो ना भी कह रहा, मैंने उसको बुलाया सुना तो सही है ना, मैं भी कह रहा हूं तू बुला, देखिए मैं बाहर निकलते जाऊंगा मुझे देखिए। चल ठीक है, हां बोल, भाग गया तुझसे डर के, चल पीला पीलो कटो, नहीं पीना ठीक है, बाय बाय। अच्छा मैं आपको बता रही थी तो ये गायब हो गई, उसके बाद दो दिन ये आई नहीं, तो अब कहते हैं ये तुम लोगों ने एक दिन जो नागा किया था ना तो उसकी वजह से वो लोग बिल्लियाँ तुम लोग सब नाराज़ हो गई हैं, तो अब उन्होंने आना ही नहीं है। और एक बिल्ली भी वरना रोज़ आके ना ये सीढ़ियों पर बैठी हुई होती थी, और उस दिन से मतलब दो दिन एक बिल्ली भी नहीं आई हमारे घर, ऐसे गायब हुई। अम्मी कहती है किसी ने उनको मार दिया, अम्मी तो टेंशन ले 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 के, लेकिन ये बिल्लियाँ तंग भी बहुत करती हैं ना, हमारे घर भी अक्सर ये ऐसे करती हैं कि आके खुद ही खाना उठा के ना ले जाती हैं अंदर से। मैं कर रही हूँ चिकन फ्राई अपने लिए और अम्मी के लिए, क्योंकि बाकी और कोई घर पर नहीं है, और मैं और अम्मी चिकन खाने लगे हैं। थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ये विंग्स वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये ना फ्राई करके खाते हैं। इसको मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस हल्का सा लहसुन अदरक लगाया है और थोड़ा सा नमक मिर्च लगाया है और 5 मिनट इसको रखा है, और बस के अंदर हाँ थोड़ा सा बेसन भी डाला था, सॉरी बेसन ही मैदा डाला था और साथ में कॉर्नफ्लोर डाला था, और बस फिर ये क्रंची से बन गया। और अब मैंने इसके अंदर से ये जो कागज़ रखे थे वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसमें से एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकालना था, और इस तरह से बहुत अच्छे से जो हमारा ऑयल है वो निकल जाता है, वैसे तो टिश्यू से भी निकल जाता है क्योंकि हमारे घर टिश्यू ख़त्म थे, इसलिए मैंने कागज़ से कर लिया। और ये हमारे समोसे ऑन रोल तैयार हो गए हैं, और होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।